morning, everyone. Today's thought is, every morning you have a new opportunity to become a happier version of yourself. So, today's date is 6th of August 2020 and is Thursday. Good morning, students. Welcome back you all in Sivaji Group of Institutions online classes. So students, before starting our today's class, let's take 1 minute relief, okay? So take this position and close your eyes, then start inhale and exhale process, okay? Start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now students, open your eyes and get back to your position. So students, this is your first period and this is your Hindi literature period. Okay? So first of all, take out your Hindi literature book, which is Surbhi Hindi Pathmala. Okay? Or part 5, page number 38 par aa jaiye. Prashn sankhya 38 and 31. So, इससे पहले की कक्षा में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले की कक्षा में हमने पार्ट 5 चिट्ठी कविता पढ़ी थी और उसका अर्थ जाना था. ठीक है, तो आज हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक बार इस पार्ट की पुनरावृत्ति करा देती हूँ. तो इसमें क्या था कि चिट्ठी क्या होती है? चिट्ठी हमारे संदेश भेजने के और प्राप्त करने का पहले सबसे सरल उपाय था. तब हमारे पास फोन नहीं थे, कम्युनिकेशन के इतने अच्छे साधन नहीं थे, तब हम चिट्ठी के माध्यम से अपने विचारों को, अपने सुख दुख को एक दूसरे तक पहुंचाते थे. तो वैसे ही इसमें बताया गया है कि चिट्ठी क्या है. चिट्ठी क्या है? चिट्ठी को एक अखबार का रूप भी कहा गया है, क्योंकि इसमें हमें, जैसे अखबार हमें पूरी दुनिया की खबर देता है, उसी प्रकार चिट्ठी हमें घर परिवार की सारी खबरें देती है. इसमें हमारे बड़ों का प्यार, आशीर्वाद, छोटों का दुलार, सब कुछ सम्मिलित होता है. ठीक है, चिट्ठी पूरी दुनिया का सफर करके, जगह जगह का सफर करके आती है और तब हमारे लिए नया संदेशा लाती है. और सबकी चिट्ठी लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है. मम्मी जब चिट्ठी लिखती है तब वो क्या लिखती है, और जब पापा लिखते हैं तब वो क्या लिखते हैं, पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं. और चाचा जी क्या करते थे, चाचा जी जब भी भेजते हैं तो ये जो चिट्ठी होती है वो उपहार के साथ आती है. तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपने ये कविता याद भी की होगी और इसके शब्दार्थ भी याद किए होंगे. अब आते हैं पेज नंबर 39 में. पेज नंबर 39 में क्या पूछा गया है कि चिट्ठियां हमें कैसे संदेश देती हैं. तो चिट्ठियां हमें कैसे संदेश देती हैं, बताइए. चिट्ठियां हमें नए नए संदेश देती हैं, सुख दुख के संदेश देती हैं. चिट्ठियां बिना पैर के कैसे चलती हैं, बताइए. चिट्ठियां बिना पैर के कैसे चलती हैं? तो चिट्ठियां डाकिया के माध्यम से बिना पैर के चलती हैं. चिट्ठियां हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? तो आप सोचकर बताइए, सोचिए कि चिट्ठियां हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं. क्योंकि इनमें हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे मित्रों के सुख दुख की बातें होती हैं, उनकी उनके समाचार रहते हैं, उनके जीवन की घटनाओं का जिक्र होता है और हमें एक दूसरे का समाचार मिलता रहता है. कई और भी कई तरीके से चिट्ठियां हमारे जीवन में उपयोगी है. और कुछ आप सोचिए कि चिट्ठियां हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं. अब आते हैं नीचे सेकेंड नंबर में. जो लिखित अभिव्यक्ति है बेटा, उसमें लिखा है नीचे लिखे प्रश्नों के
उत्तर लिखिए। तो पहले है चिट्ठी घर का अखबार कैसे है, इसमें पूछा गया है चिट्ठी घर का अखबार कैसे है। तो चिट्ठी में क्या होता है, चिट्ठी में हमारे सुख दुख की बातें होती है, हमारे घर परिवार की सारी बातें होती है, जिसकी यहाँ से भी चिट्ठी आती है उसके परिवार की उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये एक तरह से अखबार का काम करती है। तो हम चिट्ठी को कह सकते हैं कि चिट्ठी घर का अखबार होती है। चिट्ठी के बड़े लिफाफे में प्रायः क्या होता है, तो चिट्ठी के बड़े लिफाफे में प्रायः क्या होता था, चाचा का उपहार। तो चिट्ठी के बड़े लिफाफे में प्रायः उपहार होता है। मम्मी ने बेटी को चिट्ठी में क्या लिखा है, तो मम्मी ने क्या लिखा है, मम्मी ने लिखा था कि प्यारी किट्टी खूब पढ़ लिख कर होशियार बनना। तो मम्मी ने पढ़ने लिखने की बातें लिखी है। चिट्ठियां हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अभी जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था कि चिट्ठियां हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिट्ठियों में हमारे घर परिवार की, हमारे मित्रों की, हमारे प्रियजनों की सारी खबर रहती है, उनके आशीर्वाद रहते हैं। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि चिट्ठियां हमारे लिए उपयोगी हैं। अब बच्चों है दूसरा अभ्यास कार्य है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए आपने कर लिया होगा। पहला है चिट्ठी में है मन का प्यार, तो इसके बाद क्या आएगा, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। तो क्या लाइन फिल करेंगे आप, चिट्ठी है घर का अखबार। फिर है इसमें सुख दुख की है बातें प्यार भरी इसमें सौगातें। तो अभी आप क्या फिल करेंगे, प्यार भरी इसमें सौगातें। फिर है कितने दिन कितनी रातें, कितने दिन कितनी रातें। इसके बाद क्या था, तय कर आई मिलो पार, तय कर आई मिलो पार। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लिया गया है, इस कविता की पंक्तियां पूरी हो जाएंगी। अब हमारा तीसरा अभ्यास है सही वाक्य के आगे सा और गलत के आगे गा लिखना। तो बच्चों सही के आगे सा और गलत के आगे गा लिखिए, इसके लिए आप पेज नंबर 40 अर्थात प्रश्न संख्या 40 पर आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 40 में है सही अथवा गलत कथन का चयन करें। तो पहला है का नंबर, इसमें आपको कितने वाक्य दिए गए, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको चार वाक्य दिए गए, का था गा और घा। तो अब आप अपनी पुस्तक में देखिए, पहला वाक्य दिया गया है चिट्ठियां हमारे लिए खुशियां ही लेकर आती है। तो ये वाक्य सही है अथवा गलत है, चिट्ठियां केवल खुशियां तो लेकर आती नहीं है ना, हमारे पास सुख दुख सभी बातें लेकर आती है। तो ये वाक्य कैसा है, गलत है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गा। फिर चिट्ठियां दुनिया भर की सैर करती हैं, ये बात तो सही है, चिट्ठियां दुनिया भर की सैर करती है, तो आप क्या लिख देंगे, सा। फिर चिट्ठियां लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, तो ये कैसा वाक्य है, ये भी सही वाक्य है, तो आप लिख देंगे स। फिर माँ अपनी बेटी को पढ़ने की शिक्षा देती है, ये कैसा वाक्य है, ये भी सही वाक्य है, तो आप क्या लिख देंगे, स। अर्थात पहला का नंबर गलत है, था सही है, गा सही है और गा भी सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, हमारा चौथा अभ्यास कार्य सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए चार वाक्य हैं और सभी वाक्यों में आपको चार चार ऑप्शन भी विकल्प भी दिए गए हैं, आपको इन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो बच्चों अब हम सही उत्तर चुने। ठीक है, इस पर आते हैं, का में पूछा गया है चिट्ठी में बातें होती हैं, तो चिट्ठी में बातें होती हैं आप पूछा गया है सुख की, बा में दिया गया है दुख की, और सा में कहा गया है स्नेह की, और दा पूछा गया है ये सभी। तो चिट्ठी में बातें होती हैं, बताइए का में कौन सा वाक्य सही है, चिट्ठी में ये सभी बातें होती है ना, सुख की भी दुख की भी और स्नेह की भी, तो इसका क्या उत्तर सही होगा, दा, ये सभी। फिर खा पूछा गया है हमें नए नए संदेश सुनाता है, हमें नए नए संदेश सुनाता है, आ डाकिया, बा शिक्षक, सा पत्र, दा पिता। तो हमें नए नए पत्र कौन सुना, सॉरी हमें नए नए संदेश कौन सुनाता है, हमें नए नए संदेश
पत्र सुनाता है तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? सा, पत्र। फिर एक गांव में पूछा गया है पापा लिखते हैं, आ है पोस्टकार्ड, बा है ले, सा है कविता, दा है कहानी, तो पापा क्या लिखते हैं? पापा पोस्टकार्ड लिखते हैं। पापा पोस्टकार्ड लिखते हैं। फिर एक घा में पूछा गया मम्मी ने बच्चे के लिए संबोधन का प्रयोग किया, मम्मी ने अपने बच्चे को क्या कहा था देखते हैं? सिट्टी, बा चिट्टी, सा बिट्टी या दा किट्टी, क्या कहा था मम्मी ने? मम्मी ने कहा था दा किट्टी। ओके, अब हम आते हैं पांचवें अभ्यासकार में। इसमें पूछा गया है इस कविता को अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखे, तो ये बच्चों आपको मैं पीडीएफ में दूंगी, तो आपको इस पहले आपने खुद ही किया होगा तो आप इससे मैच करेंगे, और अगर आपको अपना सुधार लगता है तो आप उसमें सुधार करेंगे। अब हम आते हैं पेज नंबर 41 अर्थात पृष्ठ संख्या 41 पे, और इसमें क्या पूछा गया है? इसमें है भाषा की बात, और इसमें भाषा की बात में जो हमारा पहला अभ्यास कार्य है वो है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए में आपको क्या करना है, आइए हम देखिए। निम्नलिखित, तो बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए, ठीक है। पहला अभ्यास कार्य है, इसमें पहला वाक्य है का में पूछा गया है मोहन चिट्ठी लिखता है, ठीक है। तो का में पूछा गया है मोहन चिट्ठी लिखता है, और क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से काम कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो मोहन चिट्ठी लिखता है, हम पूछेंगे मोहन क्या करता है? लिखता है, तो आपको क्या उत्तर मिला? लिखता है, तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? लिखता है। देखिए फिर दूसरा वाक्य क्या है, आप पढ़िए, क्या दिया गया है? अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है। तो आपको अगर आप पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं तो जो उत्तर मिलता है वो क्रिया होती है पढ़ा रही है। इसके बाद है गा में पूछा गया बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? पतंग उड़ाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? उड़ा रहे हैं। फिर है माली पौधों को पानी देता है, तो माली पौधों को पानी देता है, तो पानी देना क्या है? क्रिया हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा? सो स्टूडेंट, अब हमारा दूसरा अभ्यास कार्य है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो बच्चों ये आपको आता ही, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे पहला वाक्य शब्द लिखा हुआ है चिट्ठी, तो चिट्ठी क्या कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, यह चिट्ठी मेरी माँ ने मेरे लिए लिखी है, या मेरे पिताजी चिट्ठी में मेरे लिए उपहार देते हैं, ठीक है। और या आप लिख सकते हो मैंने यह चिट्ठी अपने मित्र के लिए लिखी है, अपने मित्र को लिखूंगा, जो भी आपको सही लगे वो वाक्य आप बनाएंगे। इसके बाद है अखबार, तो चिट्ठी घर का अखबार होती है, ठीक है। मेहनत, हमें मेहनत से लगन से अपनी पढ़ाई को अपने काम को करना चाहिए। फिर दुनिया, चिट्ठी दुनिया की सैर कर आती है, या दुनिया की सैर करके हमारे पास आती है, तो ये आप कर लेंगे बच्चों, इसको आप अपने शब्दों में अपने वाक्यों में बनाइए। इसके बाद थर्ड हमारा है मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। पहला है जैसे उल्लू बनाना, तो उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है? मूर्ख बनाना। फिर 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 का क्या अर्थ होता है? भाग जाना, तो आप इसको किससे मिला देंगे? भाग जाना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाग जाना, तो 9-2-11 होना को आप किससे मिला देंगे? भाग जाना से। फिर है फूला ना समाना, फूला ना समाना का क्या अर्थ होता है? जब आपको बहुत अधिक खुशी होती है तब कहा जाता है कि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, तो फूला ना समाना का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना,
तो आप इसको सेकेंड से मिला देंगे। फिर है दांत पीसना, दांत पीसने का अर्थ क्या होता है, क्रोध करना, तो आप इसको किससे मिला देंगे, क्रोध करना से। तो बच्चों ये आपके अभ्यास कार्य हो गए हैं। आप पेज नंबर 42 को में दिया गया है जो रचनात्मक कार्य, उसे आप करेंगे। इसमें आपको एक लिफाफा बनाने की विधि दी गई है, इसको आप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका टर्म वन का हिंदी लिटरेचर का कोर्स डन होता है। आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, लर्न करना है और उसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कंप्लीट योर वर्क। ओके, बाय। Now, students, move to our today's topic. Our today's topic is adaptation for food.
एनिमल्स सच एज फ्रॉग लिजर्ड कैन नॉट सर्वाइव द कोल्ड कंडीशन इन विंटर सो दे ईट एक्सेस फूड इन समर एंड स्टोर इट इन द देयर बॉडी एंड दे स्लीप ड्यूरिंग द एंटायर विंटर दे स्लीप ड्यूरिंग द एंटायर विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड ओके दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन व्हाट इज हाइबरनेशन एनिमल सच एज फ्रॉग एंड लिजर्ड कैन नॉट सर्वाइव द कोल्ड कंडीशन सो इन विंटर दे कैन दे ईट एक्सेस ऑफ फूड इन समर एंड स्टोर इट इन बॉडी
द राइट ऑप्शन इज बी पोलर बियर. ओके एंड लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हर्बीवोरस एनिमल. हर्बीवोरस एनिमल ईट ग्रास एंड लीव्स. सो टाइगर इज अ हर्बीवोरस. नो. क्रो. यस. सो सी काउ. ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ नाउ स्टूडेंट्स नेम ऑफ द फॉलोइंग. ओके सो आवर टुडेस टॉपिक इज कंप्लीटेड नाउ. सो स्टूडेंट्स इन योर होमवर्क कम डाउन योर होमवर्क पेज नंबर डू एक्सरसाइज. There are many small islets along
Atlantean mainland. The Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal, Nicobar Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea. Now next is by Andaman and Nicobar Island. Here are two groups of about 300 Iceland in the Bay of Bengal. The Northern Iceland are called Andaman Iceland and the Southern Iceland are Nicobar Iceland. There are two Iceland groups are separated by the 10 degree strand. They form a union territory of India. The southernmost part of the Iceland is called Indrakund. So, kya bolte hain Indrakund bolte hain? It is also the southernmost part of Indian mainland. Okay. Now next, open your page number 44. Lakshadweep Iceland. These are group of about 13 Iceland. इसमें कितने आते हैं Iceland? 13. Only some which are inhabited. They are close to the Malabar Coast. They also form a union territory. Fishing and tourism are the main occupations of the peoples, and coconut is the main crop. Many of these Iceland, just see here, this is the Iceland, okay. Here, Lakshadweep Iceland, national map hai ye, isse dikhi gayi hai, okay. Kavalati, such Iceland are called Coral Iceland. Kavalati is the capital city, unlike the Andaman and Nicobar Iceland, most of which are hilly and the Iceland of Lakshadweep are flat. Next, lying in the western coastal plains. The western and eastern coastal plains cover some part of the state of Gujarat, Maharashtra, Odisha, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. Pondicherry and West Bengal. Okay, now next is Gujarat. Gujarat lies in the northwest of India. Its capital is Gandhinagar. Its capital Gandhinagar. Trading and farming are the main occupations of people of this state. यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती है? कॉटन, वीट, सुगर केन, ना बाजरा, ये सब होते हैं क्रॉप्स. गुजरात इज नोन फॉर टेक्सटाइल पेट्रोलियम फर्टिलाइजर के लिए फेमस है. इट्स खादी एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज ऑल्सो वेल डेवलप्ड. डेयरी फार्मिंग इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ गुजरात. द फेमस अमूल मिल्क प्रोडक्ट आर फ्रॉम आनंद इन गुजरात. ओके, ये से आता है आपका अमूल मिल्क. It was started by Dr. Hargis Puri. The main language of spoken in the state is Gujarati. यहाँ के लोग जो है गुजराती बोलते हैं. Women wear sari and lehenga and men traditional wear kurtigar and short jackets. इनको क्या बोलते हैं? Called ghaggras with colorful turban. Ahmedabad is the largest city of Gujarat. गुजराती साबरमती आश्रम इज लोकेटेड इन दिस सिटी. यहीं पर आपको साबरमती आश्रम है जो कि मिलेगा. ये फॉरेस्ट विच इज द होम ऑफ एस्टिक लॉयन इज फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द स्टेट. कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट है बहुत बड़ा गुजरात से, उसका नेम है गिर फॉरेस्ट जो फेमस है लॉयन के लिए. महाराष्ट्र, नेक्स्ट इज महाराष्ट्र. The Gulf Cane Coast runs through Maharashtra. Mumbai is the capital of Maharashtra. It is situated on the Coast. It is the largest seaport in India. The seabed of the coast has huge deposits of petroleum. The region is called Mumbai High. Now next is Goa. Now next is Goa, towards the south of Maharashtra. As the between state of Goa, its capital is Panaji. इसकी क्या है? Capital Panaji है. Goa is rich in iron ore. Iron ore is an important industry in the state. Business is the main factor in this state. And tourists visit Goa in large number to see its beautiful beaches and churches. Okay. Now next is Karnataka. Friends, if you know that we go towards south from Goa along the we will reach at Karnataka. It is mostly covered
फॉरेस्ट न्यू बैंगलोर पोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट अलोंग द कोस्ट नाउ नेक्स्ट इज केरला इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट प्लेन लाइज द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ केरल तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरल कोची इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ केरल केरल प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पाइसेस कोकोनट एंड कॉफी एंड रबर मेन लैंग्वेजेस आर मलयालम एंड इंग्लिश बैंगलोर लूंगी यहाँ पे लोग लूंगी पहनते हैं शर्ट पहनते हैं जो वुमेन्स होती है वो मंडू एंड ब्लाउज पहनते हैं ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर ये उनका डांस होता है पत्थर कली ओनम इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरल ओनम जो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है स्टैंप कोन रेस भी होती है ओनम भी कथकली एंड महिन्या डांस आर द मेन क्लासिकल डांस होता है उनका केरला हैज अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल बीचेस द मोस्ट फेमस बीच इज कोवलम बीच द लोंगोस आर बैक वाटर ऑफ केरला द वाइल्ड लाइफ ऑफ सैंगरी एंड द परियार एंड द फेमस टेम्पल आर द अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन नेक्स्ट इज लक्षद्वीप आइसलैंड लक्षद्वीप आइसलैंड द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी इज कवरत्ती मोस्ट इम्पोर्टेंट हेयर्स भी मलयालम यहाँ पे लोग मलयालम बोलते हैं पीपल यूज कोकोनट फाइबर टू मेक अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फिशिंग एंड टूरिज्म आर द अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री द ब्यूटीफुल आइसलैंड एंड हेयर बीचेस अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट नाउ नेक्स्ट इज लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेस उड़ीसा इट्स कैपिटल इज भुवनेश्वर पुरी एंड कटक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज The delta formed by the Mahanadi River is very fertile. Rice is the main crops of this region. Okay, and Odia and English are the main language. Odisha is a popular dance. यहाँ पर popular dance Odisha है. See, ऐसा होता है dance in Odisha. Okay. Now next is Tamil Nadu. Chennai is the capital of Tamil Nadu. Lies to the Coromandel Coast. It is important for the Marana Beach in the city. It is the longest beach in India. And the Vivekananda Rock Memorial has been built on a small island near the coast called Vivekananda Rock. Okay. Now next is Pondicherry. Pondicherry students, if you know that Pondicherry towards the south of Chennai. Is a union territory. It is the famous for Sri Aurobindo Ashram and Matri Mandir. Once it was ruled by the French. People speak Tamil, English and French. यहाँ के लोग तमिल बोलते हैं, English बोलते हैं, French बोलते हैं. Okay. Now next is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh lies in the north of Tamil Nadu. Hyderabad is the joint capital of Andhra Pradesh and Tamil Telangana. The delta formed by the Krishna and Godavari is important for growing crops. Okay, farming is the main occupations and rice is the main crops. Visakhapatnam is the major seaport. It has a ship building yard. Okay, are you clear? Now next last is in this chapter topic West Bengal. West Bengal lies in the south eastern coastal plains. The soil of the coastal region is very fertile. Rice is the main crops in this state, and the state has many jute and textile mills. Durga Puja is the main festival of the West Bengal. Are you clear, student? Now chapter 6 has finished. Okay, some points is there. First point is. Chapter the different video is surrounded by the western coastal plains and the eastern coastal plains. The two coastal plains meet at Kanyakumari. Now next, okay. Now next, the eastern coastal plains have divided into northern Sarkars and Coromandel Coast. So students, note down homework. Revised chapter 6 with exercise. Okay, aapko exercise
कर दिए। ओके सो स्टूडेंट दिस इज योर लास्ट पीरियड एंड थैंक यू फॉर द अटेंडिंग द क्लास।